तो हेलो गेमर, वेलकम टू वाइपर बिजनेस गेम। तो गाइस, हम सभी बचपन में बिजनेस गेम खेलते थे हमारे फ्रेंड के साथ। तब टाइम अलग था, अब टाइम अलग है। अब हर किसी के पास एंड्रॉइड स्मार्टफोन है एंड एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर कोई भी गेम इंस्टॉल करके आप खेल सकते हो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में जो बचपन में बिजनेस गेम खेले थे वो इस एंड्रॉइड स्मार्टफोन में हम खेलेंगे। तो गाइस, आप सभी को और भी एक चीज बता दूं, बिजनेस गेम से रिलेटेड मैं एक या दो वीडियो मैं बनाई थी हमारे चैनल में, बट फिर से मैं क्यों इस टॉपिक के वीडियो बना रहा हूँ सेम टाइप से। तो गाइस, पिछली वीडियो जो बिजनेस गेम के ऊपर मैंने बनाई थी वो बिजनेस गेम और वाइपर बिजनेस गेम ये थोड़ी बहुत डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस गेम बेकार है वाइपर बिजनेस गेम से। वाइपर बिजनेस गेम में जो कस्टमाइजिंग है उसके कंपैरिजन में बिजनेस गेम में बहुत ही कम कस्टमाइजिंग है। तो वीडियो में सारी कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो गाइस, और एक बात है, चंद्रयान 3 फाइनली मून में लैंड हो चुकी है। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, हर कंट्री के लिए ये एक सेलिब्रेशन की टाइम है। एंड जो कोई भी इंडिया से देख रहे हो वीडियो तो एक जय हिंद कमेंट कर देना। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले। तो गाइस, वाइपर बिजनेस गेम को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखना सिर्फ बिजनेस गेम लिखा है, बट जब इसकी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करने जाओगे तो यहाँ पर वाइपर बिजनेस गेम दिखाएगा। तो गाइस, वाइपर बिजनेस गेम में नीचे में आप देख सकते हो दो ऑप्शन है, एक है लोकल मल्टीप्लेयर, एक है वर्सेस कंप्यूटर। इसके कंपैरिजन में जो हमारा बिजनेस गेम है उसमें चार ऑप्शन है। तो गाइस, फर्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर वर्सेस में आते हैं। फर्स्ट यहाँ पर दिखा रहा है चेंज नेम, तो पर जितने प्लेयर खेलेंगे उन सारे प्लेयर्स की नाम आप कस्टमाइजिंग कर सकते हो। सेकंड पर आता है सेट मनी, आप वाइपर बिजनेस गेम खेलते हुए कितनी मनी सेट करना चाहते हो, मतलब सबके पास कितने कितने मनी होना चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। ये दो ही ऑप्शन बिजनेस गेम के अंदर नहीं है। उसके बाद नीचे एकदम देखना कितने प्लेयर प्ले करेगा वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, जो बिजनेस गेम के अंदर भी है। तो मैं 2 प्लेयर सिलेक्ट करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर देखना वाइपर बिजनेस गेम के अंदर थोड़ी बहुत इंटरफेस अलग है। आप बिजनेस गेम खेलते हो तो उससे थोड़ी बहुत अलग आपको लग सकता है। तो गाइस, वाइपर बिजनेस गेम के एकदम ऊपर में देखना बहुत सारे बटन दिख रहा है, मेनू, बिल्ड, सेल, मॉर्गेन, रिडीम एंड ट्रेड। तो गाइस, मेनू का काम आप सभी को पता ही है, म्यूजिक ऑन ऑफ करना, गेम से निकलना। उसके बाद जितने भी सारे बटन है इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो गाइस, आप में से किसी की भी इस बटन की काम आपको समझ में अभी भी नहीं आया, यहीं से वीडियो को एकदम ठीक से देखना। तो गाइस, यहां पर गेम को स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिक वाइपर बिजनेस गेम या बिजनेस गेम के अंदर आप यूज कर सकते हो। तो गाइस, यहां पर ऑप्शन में देखना ऑक्शन, मेरे ओपोनेंट एक बॉक्स के ऊपर आया है एंड उस बॉक्स की जितनी प्राइस है उतनी मनी उसके पास नहीं है, उसने ऑक्शन पर डाला है। तो गाइस, यहां पर एक चीज ध्यान देना, आपके ओपोनेंट के पास एक रुपए भी हो तो यहां पर आप कोई भी बॉक्स इजीली एक रुपए में बाय कर सकते हो। तो गाइस, कभी कभी इस गेम के अंदर भी आप जेल जा सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर जेल से छूटने के लिए तीन ऑप्शन दे रहा है, पे यूज 100, यूज कार्ड जो डिसेबल है, तीसरा है रोल ए डबल। रोल ए डबल का काम है आप उस जेल के अंदर ही रहोगे एंड आपके ओपोनेंट वो चाल चलेगा, उसके बाद फिर से जब आपकी बारी आएगी तब आप मनी वगैरह पे कर सकते हो। दूसरा है यूज ए कार्ड, यूज ए कार्ड डिसेबल है क्योंकि मेरे पास कोई भी कार्ड नहीं है। तो गाइस, चांस बॉक्स में आने के बाद कभी कभी आपको एक जेल फ्री कार्ड देता है, तभी ये यूज कार्ड बटन इनेबल होता है। तीसरा है पे 100, तो 100 रुपीज मैं पे करूंगा तो यहाँ पर जेल से मैं छूट जाऊंगा। तो गाइस, वाइपर बिजनेस गेम के अंदर और भी एक फीचर है, यहाँ पर होम की आइकन दिख रहा है, इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर लोन लिखा है। तो ये फीचर्स बिजनेस गेम के अंदर भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं मेरे हिसाब से लोन वगैरह ले सकता हूँ, यहाँ पर लोन लिमिट भी लिखा है। अब बिल्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखना तीनों बॉक्सेस विजिबल हो रहा है, मतलब इस तीनों बॉक्सेस में मैं बिल्ड कर सकता हूँ। तो जब भी बिल्ड करता हूँ तो यहाँ पर देखना मेरे अकाउंट से मनी कट हो रहा है। तो गाइस, तीनों बॉक्सेस में से हम दो बॉक्सेस को बिल्ड कर दिया है क्योंकि बिल्ड करने के लिए जितनी मनी रिकॉर्ड होती है उतना मनी मेरे पास नहीं है, बट बिल्ड का काम क्या है। तो गाइस, जो भी बॉक्स हमने बिल्ड किया है उस बॉक्सेस पर एक बार क्लिक करना एंड जब आप उस बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो एक चार्ट ओपन होगा। तो गाइस, यहाँ पर चार्ट में देखना एक होम 90 रुपीज, 2 होम 250 रुपीज, 3rd होम, इस तरीके से बढ़ते जाएगा प्राइस मनी जितने आप होम मतलब बिल्ड करते जाओगे। तो गाइस, इस चार्ट के ऊपर एकदम देखना रेंट लिखा है, उसके पास में प्राइज मनी। आपके ओपोनेंट आपकी इस बॉक्स में जब आएगा उसको रेंट देना पड़ेगा जो लिखा है 30 रुपीज, बट वहां पर मैं बिल्ड कर देता हूँ एक या दो होम तो इसकी जो रेंट प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड आपकी ओपोनेंट को ज्यादा मनी पे करनी पड़ेगी। एंड गाइस, बिल्ड ऑप्शन के बाद यहाँ पर सेल, सेल में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर बिल्ड ऑप्शन सेम ही ओपन होगा, यहाँ पर बिल्ड जो भी बॉक्स किए थे उन बॉक्सेस पर क्लिक करोगे बिल्ड कन्वर्ट होगी
के आपके अकाउंट में मनी आ जाएगा। थर्ड है मॉर्गेन, तो आपके पास बिल्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपके पास आपकी बॉक्स है, उस बॉक्स को आप डिसेबल करके मनी ले सकते हो। फोर्थ है रिडीम, रिडीम बेसिकली जो भी आपने मॉर्गेन किए थे, जितने सारे बॉक्स डिसेबल हो गए थे, उन सभी को आप एनेबल करना चाहते हो, तो यहाँ पर रिडीम काम आता है। फोर्थ है ट्रेड, ट्रेड पर जब क्लिक करोगे यहाँ पर बॉट ऑप्शन आएगा, यहाँ पर बॉट बेसिकली अलग अलग गेम में अलग अलग टाइप की इंटरफेस आता है, तो यहाँ पर दो प्लेयर है इसलिए दो ऑप्शन दिखा रहा है, एक है यूजर दूसरा है बॉट। तो कैसे यहाँ पर बॉट के पास से कोई भी बॉक्स हमें वाई करनी होगी, तो यहाँ पर बॉट की उस बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एरो आ जाएगा, उसके बाद सेंड ऑफर, ऑफर मनी करेंगे, वो ऑफर मान जाता है तो उसकी बॉक्स हमारा हो जाएगा। हमारे पास से कोई भी बॉक्स सेल करनी होगी हमारे ओपोनेंट के पास, यूजर पर क्लिक करेंगे एरो सिंबल आ जाएगा, उस आक्स पर क्लिक करेंगे एएसके जो लिखा है, यहाँ पर अमाउंट जो जितना अमाउंट हमें चाहिए इस बॉक्स के बदले वो यहाँ पर सेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऑफर पर क्लिक कर देंगे। इंटरेस्ट नहीं था तो इसलिए डिक्लाइन कर दिया। तो गाइस यही है मल्टीप्लेयर एंड इस गेम की जो भी काम। तो गाइस यहाँ पर जितने सारे ऑप्शन है, आई होप वो ऑप्शन के बारे में आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर कंप्यूटर वर्सेस के बाद यहाँ पर आते हैं लोकल मल्टीप्लेयर। तो गाइस बिजनेस गेम के अंदर देखना, लोकल मल्टीप्लेयर के साथ साथ आप ऑनलाइन भी मल्टीप्लेयर खेल सकते हो, बट वाइपर बिजनेस गेम के अंदर नहीं है फिलहाल। बट यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पर लोकल जो मल्टीप्लेयर है उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से आपके जो प्लेयर्स है, जो आपके पास फ्रेंड बैठी हुई है, उससे बहुत बढ़िया एंड स्मूथली खेल सकते हो, जो बिजनेस गेम के अंदर नहीं कर सकते। क्योंकि बिजनेस गेम के अंदर देखना है आपकी जो चाल चलने की जो ऑप्शन है वो एक ही जगह पर है। तो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो में कोई भी क्वेश्चन रहे तो पहले कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।